के बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम रोहतक जींद नेशनल हाईवे पर हैं और यहां पर एक साइकिल यात्रा है श्रद्धालुओं की, जो भाई एमपी से निकले हैं। ये है मारुति नंदन जगदम्बा ग्रुप फतेहगढ़ साइकिल यात्रा, माँ वैष्णो देवी प्रथम बार, नाम जीतू जादौन, मोबाइल नंबर भी लिखा है भाई, थाना फतेहगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश। और 2 तारीख ने लिख दी है यात्रा। और भाई इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो श्रद्धालु हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार पे जा रहे हैं, उनसे जानेंगे भाई जो यह यात्रा है किस उद्देश्य के साथ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, डीएन हरियाणा पर स्वागत है जी। भाई साहब जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप साइकिल पर चले हैं जी, 500-600 किलोमीटर की दूरी तय की है और 600-700 किलोमीटर आगे चलोगे, तो क्या कारण है यात्रा का? माता रानी की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, और हमारे और भी भक्त हैं जो कई सालों से जा रहे हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को पहला साल है, किसी को 2 साल हुए हैं, तो माता रानी के आशीर्वाद से उनकी वहाँ जाते हैं, जो हर मनोकामना पूरी होती है। तो आज आप यात्रा कर रहे हैं तो कोई मनोकामना पूरी हुई आपकी या कोई दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं तो अपने फैमिली के लिए जा रहा हूँ। मेरी माता रानी हमारी फैमिली को हमेशा खुश रखें। ये देखिए भाई, अपने फैमिली के लिए ये लोग यात्रा कर रहे हैं, एक और भक्त है, और ये फतेहगढ़ गुना से ही है माँ वैष्णो देवी यात्रा। ये देखिए माँ वैष्णो देवी यात्रा, कृष्ण गोपाल ओझा, थाना फतेहगढ़ जिला गुना। भाई साहब यात्रा पे जा रहे हो, माता के दरबार पे जा रहे हो, एक बार जयकारा लगा दो माता का। जोर से बोलिए जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, माँ वैष्णो देवी की। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ गुना फतेहगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश। जो यात्रा कर रहे हैं? हाँ यात्रा कर रहा हूँ। मनोकामना मारी मांगने जा रहे हो या मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? मेरी मनोकामना 4 साल हो गई मेरे को। 4 साल हो गए, हर वर्ष जाते हो? हर साल जाता हूँ। मनोकामना पूर्ण मनोकामना जाते हो माता की तरफ? बराबर होती है, बराबर होती है। कितने दिन में यात्रा तय कर लेते हैं आप माता वैष्णो देवी की? हमको लगता है फतेहगढ़ से 14 दिन लगता है। 14 दिन लगते हैं। तो इस दौरान आपकी खाने की व्यवस्था किन के द्वारा की जाती है? या लंगर मिल जाता है उस पे खा लेते हैं, आश्रम पे या ढाबा पे खा लेते हैं। आपका नाम? कृष्ण गोपाल ओझा। ये देखिए कृष्ण गोपाल ओझा थे भाई, लगातार माता की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। एक और है मारुति नंदन भैया, भाई ये देखो भाई साहब। जय माता दी, जय माता दी। तो आप वैष्णो देवी जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं। क्या कामना मांगोगे, क्या मनोकामना? अभी तो माता रानी से मैंने कोई कामना नहीं मांगी है। कोई भी कामना नहीं मांगी अभी तक आपने, तो अब क्या आस है? आस तो है, पर अब जाकर ही पता चलेगा। वो जाके ही पता चलेगा। क्या नाम आपका? सोनू। ये देखिए भाई सोनू था जो एमपी से था, एक और है और इनके साथ एक और है भाई नौजवान जो साथ में चला हुआ है, इससे बात करें। भाई साहब कहाँ से आए हो? गुना जिला फतेहगढ़। फतेहगढ़ से कहाँ जा रहे हो? वैष्णो देवी। कितना बड़ा काफिला है हमारा? है कम से कम 15-20 का। 15-20? कितने दिन में यात्रा पूरी हो जाएगी? 14 दिन। 14 दिन। और एक इनके साथ है भाई, ये भी इनके साथ ही चला। भाई से भाई साहब डीएन हरियाणा पर स्वागत है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी जा रहे हैं आप, क्या मनोकामना है? मनोकामना कुछ नहीं भाई साहब, वैसे ही माता के दर्शन, माता के दर्शन करने, माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम आपका? बोड़ा। बोड़ा, तो आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं। देखिए भाई जो ये यात्रा थी एमपी से निकली है, एमपी गुना डिस्ट्रिक्ट से, और अब ये माता वैष्णो के दरबार पे जाएगी। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया जुलाना से।